और इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा कर रहे हैं, भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, सीधा आपको सुनाते हैं। जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी एक ग्रांट देने की बात कही थी, और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। तो इस नाते से आप सब ऐसे किसान बंधु हैं जो इस समय लगभग 23,000 सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक प्रकार से उनको शुभकामना भी देता हूं कि आप प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। किसान बीज से बाजार तक, इसकी चिंता हमारे जिम्मे है, हम उसकी हर प्रकार की सहायता ये सब करते हैं। आज आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर मोटा अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया है, और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। मोटा अनाज वास्तव में सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और हरियाणा में मोटे अनाज का बहुत प्रचलन है और इसको हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके लाभकारी मूल्य ये हम सुनिश्चित भी करते हैं। किसान फसल पैदा करता है और उसमें कई बार उसको लागत मिलती नहीं है, अनिश्चितता रहती है, तो लागत से कम यानी वो बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसके लिए ये योजना हमने बनाई है। फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 में हमने योजना बनाई थी, और इसी प्रकार बाजरा के लिए भी खरीफ 2021 की फसल से भावांतर भरपाई योजना ये हमने दी है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे जरूर आपके साथ साझा करना चाहिए, हमने 2020 में जब बाजार भाव बाजरे का काफी कम हो गया था, लेकिन हमने बाजार भाव पर ही अर्थात एमएसपी पर उसको खरीदा, तो राजस्थान के जो हमारे पड़ोस के प्रदेश के बाजरे के किसान थे, उन्होंने किन्ह किन्हीं तरीकों से वहां बाजरा ना बेच करके हरियाणा में बेचना शुरू किया। हमारे पास बाजरे की अधिकता हो गई, और बाजरे की अधिकता के कारण से हमको बाजार में सस्ते भाव में बेचना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए जो बाजरा है वो 4 से 6 महीने ही लिया जा सकता है काम में, अन्यथा उसकी गुणवत्ता ये कम हो जाती है, तो उद्योगों में बाजरे का उपयोग भी सीमित है। बाजरा मुर्गी का जो एक प्रकार से उन फार्मों को जो जरूरत होती है फीड के नाते, वो बहुत कम भाव पर बिकता है, तो उस परिणाम स्वरूप हमको 825 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमने अगले बार से खरीफ 2021 से और किसानों को सीधा जो भावांतर है बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1650 रुपये था, तो ये जो अंतर 600 रुपये का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है। और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपये की राशि और ये हमने उनको दी है। एक विशेष बात यह है कि बाजरे का जो किसान है, वो बाजरे के किसान को अपने घर के लिए भी बाजरा रखना होता है, या कई बार बाजरा अपने घर में स्टॉक करता है कि बाद में अच्छे भाव पर वो हमको मिलेगा, या फिर वो तुरंत बाजार में बेच के आएगा। ये स्वतंत्रता हमने किसान को दी है, चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके बुआई के हिसाब से जितना एकड़ उसने बाजरा बोया है उसके हिसाब से एक एवरेज लगा करके भावांतर भरपाई योजना का पैसा उसको देते हैं। यही क्रम हमने खरीफ 2022 में शुरू किया, जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था, तो 450 रुपए प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए। 2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। हमने और भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। बाजरे की बजाय यदि दलहन तिलहन ये खेती लोग करते हैं, उसमें भी अलग से
4000 रुपया प्रति एकड़ ये उनको दिया जाता है ताकि दलहन तिलहन की जो हमारी आवश्यकता है देश की तेल आदि की उसको हम पूरा कर सके और इस दलहन और तिलहन में हमारा देश हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने इसलिए इस योजना को हमने लागू किया है। बागवानी को भी हमने बढ़ावा दिया है और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने 2030 तक बागवानी का जो क्षेत्र है जो आज हरियाणा का 11 लाख एकड़ और ये बागवानी का क्षेत्र है हमने एक योजना बनाई है कि 2030 तक बागवानी के अधीन आने वाला क्षेत्र इसको दोगुना किया जाए 22 लाख एकड़ और ये बागवानी की जाए क्योंकि बागवानी भी ऐसी क्रॉप है जिससे किसान की आय कि उसको काफी अच्छी मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। सब्जी आदि के लिए जो भावांतर भरपाई योजना है उसका हमने उत्पादन का एक बेंचमार्क ये निर्धारित किया है। जैसे उदाहरण के लिए आलू प्रति एकड़ हमने 120 क्विंटल, प्याज प्रति एकड़ 100 क्विंटल, टमाटर प्रति एकड़ 140 क्विंटल, फूल गोभी के लिए 100 रुपया प्रति क्विंटल और इसी हिसाब से इनके जो संरक्षित मूल्य हैं वो भी इन्हें तय किए हैं। इससे कम भाव में यदि उसका बिकता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन ये हमारा मार्केटिंग बोर्ड का जो पोर्टल है उसके ऊपर कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जे फार्म के हिसाब से जो अंतर आता है उस अंतर के हिसाब से और हमको जो पैसा है वो देते हैं। और सब्जियों के इस फल और सब्जी की जो भावांतर भरपाई है हमने पिछले सालों में 12000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि ये उनको दी है। किसान की फसल खराब होने पर उसको नुकसान न हो तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कार्यक्रम शुरू किया और हर बार एक अच्छी राशि किसानों को यदि क्लेम की बनती है तो उनको मिलती है। और इसी प्रकार हमने बागवानी की फसलों के लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है जिसके अंदर 21 फसलें ये शामिल की गई हैं ताकि बागवानी और यानी अन्य फसलें इन सब का बीमा और कंपनियों को द्वारा करा करके उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसलिए मित्रों हम लोग किसानों के हित में हमेशा ये काम करते हैं। केवल भावांतर भरपाई योजना ही नहीं बल्कि बहुत अन्य निर्णय भी हमने लिए। हमने किसानों के खाते में सीधा पैसा डीबीटी के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ रुपया डाला है। कोई समय था किसान अपनी फसल बेचता था उनके हाथ में पैसा नहीं जाता था, पैसा किसी और के अकाउंट में होता था, उनको अपने खर्च के लिए और समय समय पर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। अब किसान अपनी फसल बेच करके आता है तो सीधा पैसा और उसके खाते में ये जाता है। जैसे फसल बदलने की प्रोत्साहन ने बात की इसी प्रकार हमने ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल भी शुरू किया ताकि हरियाणा की कुल भूमि आपकी जानकारी के लिए 85 लाख एकड़ ये हरियाणा की कुल कृषि भूमि है। अभी तक ये वॉलंटरी था, जो किसान अपनी फसल को मार्केट में बेचते थे जिनकी प्रोक्योरमेंट होती थी केवल वही अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन इस बार पहली बार से हमने कुल जमीन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसान को प्रोत्साहन राशि भी दी है कि अपना पूरा अगर वो फसल रजिस्ट्रेशन उसका करता है तो इसको इनाम के तौर के रूप में एक छोटी राशि, कुछ प्राइजेस भी हमने रखे हैं वो सब उनको दिए जाएंगे। और जो किसान नहीं कर पाएंगे वो हमारे विभाग चाहे वो कृषि विभाग है अथवा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इनके माध्यम से हम शेष बची जमीनें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। हमारा अनुमान है कि 31 अगस्त तक पूरे 85 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन ये हमारा हो जाए और इससे कई बार बहुत सी ऐसी समस्याएं जो आती हैं खाली जमीनों पर क्या बोया है क्या नहीं बोया है और कुछ शरारतें करने वाले लोग भी हैं खाली जमीन पर भी अपना जब मुआवजे की आवश्यकता होती है तब उसका रजिस्ट्रेशन करा करके और एक प्रकार से वो गलत ढंग से भी काम करते हैं वो भी सब रुकेगा। और कई बार हम बैंकों से लोन लेते हैं वहां पर हमारा बीमा होता है, लोन किसी चीज का लिया जाता है बीमा किसी और का चीज का होता है और अंत जब नुकसान होता है कोई उसका जो पंजीकरण जो किया गया है उसमें कई बार अंतर आता है तो जो मुआवजा है उसको लेने में भी कठिनाई आती है। तो ये सब कठिनाइयां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन यदि होगा तो ये सब कठिनाइयां समाप्त होंगी। हमने सोलर पंप्स के लिए भी पिछले साल 53,000 सोलर पंप्स लगाए हैं, इनके ऊपर सब्सिडी दी गई है कुसुम योजना के अंतर्गत और इस वर्ष में 70,000 नए सोलर ट्यूबवेल्स वो लगाए जाएंगे ताकि बिजली की खपत में भी कमी आएगी और ऐसे सोलर पंप से किसान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फसलें
हरियाणा में एमएसपी पर ली जा रही हैं। ऐसा हमारा अनुमान है कि 15-16 फसलें हम हरियाणा में एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कोई प्रदेश इतने संख्या में फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदता है। जहां तक पानी का विषय है, पानी प्रबंधन भी हमने बहुत ही बढ़िया प्रकार से उसको किया है। आखिर हमारे प्रबंधन के कारण से ही पानी टेल तक पहुंचाने का काम हमने किया है। पिछले वर्षों में कोई ऐसी टेल नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है। वर्षा के इन 4 महीनों में दूर दराज के जो हमारे तालाब हैं, जो सरोवर हैं, जो वो सब सूखे रहते थे, उनमें भी पानी हमने भेजा है। बहुत लेवल यानी बहुत जगह पर पानी का लेवल जो डार्क जोन एरिया घोषित हो गया था उसमें पानी ऊपर आया है और किसानों को सिंचाई के लिए वहां से पानी लेने में अब कोई कठिनाई नहीं है। गांव-गांव में हमने बिजली पहुंचा, सब गांव में बिजली तो पहुंची है। 5700 से ऊपर गांव में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं और इसी प्रकार से आज बिजली किसी किसान को उसकी कोई कठिनाई नहीं होती, किसी उद्योगपति को नहीं होती, किसी घर को नहीं होती, हर जगह बिजली हम पर्याप्त दे रहे हैं। तो इन सब योजनाओं के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि वर्ष में 6000 रुपया ये भी मिलता है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से धन्यवाद करता हूं। जो नेचुरल फार्मिंग है, एक प्रकार से नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए गाय का गोबर ये उसमें उपयोग होता है। हमने इन किसानों को गाय देने के लिए भी एक प्रावधान किया है कि हर एक को गाय उसको बांधी जाए और उसमें भी जितनी आवश्यकता उनको होती है पैसे की, वो पैसा भी उनको दिया जाए। मेरा कहने का भाव है कि हमारा किसान, इस किसान को हम यानी एक प्रकार से मजदूर नहीं बल्कि अपनी खेती का मालिक बनाना चाहते हैं, और मालिक जो बनता है वो स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके अपने काम को करता है। किसान हमारा ये व्यापारी तो नहीं है, लेकिन सेवा भाव इसमें कम नहीं है। सेवा भाव से जनता के पेट का पालन करना, पेट के खाने की भरपाई करना, और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश के जनता को, देश के लोगों के पेट को भरने के लिए भी हमारा किसान अन्न पैदा करता है। तो इसलिए हमारा जो किसान है ये हम हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। किसान हमारा मजबूर नहीं होना चाहिए बल्कि किसान मजबूत होना चाहिए। तो उसकी मजबूती के लिए हम बहुत से काम कर रहे हैं। इन सब कामों को करते हुए मैं पुनः किसानों की इस प्रगतिशील सोच को कि नई नई फसलें वो बुआई करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, उस सोच को मैं नमन करता हूं और इसी काम से हम आगे बढ़ते रहें। मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए सरकार बहुत से प्रयास कर रही है। आपकी जानकारी के लिए हमने गन्नौर में एक अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी का ये निर्माण शुरू हो गया है, उसका भी बहुत जल्दी हमको परिणाम मिलेगा। हमने इसी प्रकार से पंचकुला में भी, पंचकुला के अंदर एक फल सब्जी मंडी, सेब की मंडी पिंजौर के अंदर खास करके वो भी चालू हो गई है। इसलिए इन सब स्थानों का लाभ हम सब किसानों को हो रहा है। मैं पुनः, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के नाते से हमारे प्रदेश का किसान कैसे फलेगा फूलेगा उसको किसी प्रकार की कोठाई न आए, लगातार हम ध्यान रख रहे हैं। और संयोग से आज मैं जो किसानों से बातचीत कर रहा हूं, पिछले जनवरी से जब से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है हर सप्ताह का, मैं आज 8 बार लगभग हो गए हैं, या तो कृषि अथवा कृषि से संबंधित ऐसे सब विषयों पर मैंने बात की है। एक एक कठिनाई को ध्यान रखना, हर जो हमारा लाभार्थी है उस लाभार्थी से बात करना, ये हमारा निरंतर क्रम चलता है। आज भी आपसे मैंने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार किसानों के हित में बहुत से काम कर रही है। कृषि को, बागवानी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, मोटे अनाज को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है,